चंद्रयान 3 ये वो मून मिशन है जिसने भारत को चांद पर पहुंचा दिया है। इसी के साथ भारत उन देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिसने चांद पर अपना परचम बुलंद किया हो। ये मिशन भारत के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस मिशन को सरल सहज बनाने में कई वैज्ञानिकों ने अहम भूमिका निभाई है जिसे देश कभी नहीं भूल सकता। लेकिन इस बीच एक शख्स ऐसा भी है जिसके नेतृत्व में इस मिशन को अंजाम दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इसरो चीफ एस सोमनाथ हैं। चेहरे पर गजब की शालीनता, मंद मंद मुस्कान और आत्मविश्वास से भरे ये हैं इसरो के चीफ एस सोमनाथ। एस सोमनाथ ने इसरो की कई मिशनों में अहम भूमिका निभाई है, चंद्रयान 3 उनमें से एक है। चलिए वीडियो में एस सोमनाथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। कौन है इसरो चीफ एस सोमनाथ? एस सोमनाथ का जन्म जुलाई 1963 में हुआ, केरल के आलापूझा जिले में जन्म हुआ। एस सोमनाथ के पिता शिक्षक थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पीजी किया। एस सोमनाथ की पत्नी जीएसटी विभाग में कार्यरत हैं। एस सोमनाथ के 2 बच्चे हैं। जब से एस सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली है तब से इसरो की कई मिशन में तेजी आई है। उनकी अगुवाई में इसरो काफी तेजी से काम करना शुरू किया है। चलिए अब एस सोमनाथ के उन अभियानों के बारे में जान लेते हैं जिनका उन्होंने नेतृत्व किया है। एस सोमनाथ ने 14 जनवरी 2022 को कमान संभाली। के सिवन के बाद इनको इसरो चीफ बनाया गया है। एस सोमनाथ का कार्यकाल 3 साल का है। वो आंतरिक विभाग के सचिव रह चुके हैं, आंतरिक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1985 में वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से जुड़े। तिरुवनंतपुरम में VSSEC के डायरेक्टर थे। इनके आने से चंद्रयान 3 आदित्यलवन को तेजी मिली है। GSLV के 3 और PSLV के 11 सफल मिशनों में उनका अहम योगदान है। सोमनाथ ने करियर की शुरुआत पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से की थी। इसे डेवलप करने में उनका खास योगदान रहा है। वो 22 जनवरी 2018 से लेकर जनवरी 2022 तक विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर पद का कमान संभाल चुके हैं। बताया जा रहा है कि एस सोमनाथ को स्पेस लॉन्च की डिजाइन, इंजीनियरिंग, मैकेनिज्म, बायो रो टेक्निक और इंटीग्रेटेड के मामले में महारत हासिल है। वो इसरो के हर मिशन पर बेहद बारीकी से नजर रखते हैं। इन्हीं में से एक है चंद्रयान 3 भी। फिलहाल वो इसरो के अध्यक्ष के रूप में संगठन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिशनों के प्रमुख हैं।